हेलो, कैसे हो आप? आप सबका खुर्शीद के किचन में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज है 26 जनवरी, तो हम कुछ तो मीठा पकाएंगे ना। तो आज हम पका रहे हैं शादी वाले चावल का जर्दा। बहुत दिन वहाँ नहीं बनाए, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते किचन की तरफ। जर्दे को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हम देखेंगे। ये है बासमती चावल, कौन से भी चावल लेके चलता है, जर्दा है। ये जितने चावल है उतना ही शक्कर है, 1/4 किलो चावल, 1/4 किलो शक्कर, इलायची पाउडर, बादाम, काजू, जो भी अपने घर में है वो ड्राई फ्रूट चारों ले, काजू, असली घी, ये मेरे इंस्टेंट जर्दा बना रही इसलिए मिल्क पाउडर, नो खोआ, ये दालचीनी, इलायची, लवंग, ये डेकोरेशन के लिए हमने लिए है, और ये टूटी फूटी और पाइनएप्पल एसेंस, ये कलर। अभी हम इसके अंदर पानी उबले रखे हैं, अभी नमक डाले थोड़ा सा, मीठी चीज़ में नमक डालता अच्छा लगता है, हम जरा ऑरेंज कलर डालेंगे इसके अंदर तो कलर अच्छा आएगा। अभी हम इसमें एक दालचीनी डालेंगे, हम इसे दालचीनी गोद वाली ले लेंगे, खुशबू रहती, दो इलायची डालेंगे और दो लवंग डालेंगे, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब इसमें हम पानी को उबाल आया है, हम इसके अंदर पूरे चावल डालेंगे, इसको 100% पकाएंगे इसको हम, बिरन जैसा 70% नहीं, 100% पकाएंगे इसको हम। 100% पका है, देखो हम इसको स्टेम करेंगे, गैस बंद करेंगे, इसके अंदर स्टेम करेंगे। पानी वो बताने का भूल गई मैं, जितना चावल इसके चार पर पानी डालना है, बहुत सारा पानी डालना है तो चावल करारे अच्छे बनते हैं। जो इतना प्यारा कलर है, ऑरेंज कलर, सब हम इसका थोड़ा पानी निकालेंगे। अभी हमने गैस लगाया है, उस पर देखते रखे हैं, अभी हम इसमें डालेंगे, अगर डालेंगे फिर ऐसा फैलाएंगे हम, फिर ये शक्कर है ना, डालेंगे ऐसा, ये हम डालेंगे, के ऊपर हम शक्कर की लेयर लगाएंगे और 2 मिनट इसको थोड़ा 2 मिनट पकने रखेंगे। 5 मिनट हो गए, अभी हम देखेंगे इसको। हाँ देखो, अभी हम इसको ऐसा हिलाएंगे, बोले तो चावल टूटेगा नहीं, ऐसा हिलाएंगे इसका पानी सूख जाने मांगता। 5 मिनट रखेंगे, इसमें लेमन येलो कलर डाले तो भी चलता है, मगर शादी वाला जर्दा ऐसा होता है। तो हम 5 मिनट रखे हैं, अभी इसमें हम घी डालेंगे, 1 टेबल स्पून घी है, घी सिवा तो असली घी है, घी सिवा तो मीठा नहीं होता बिल्कुल। अगला है, इसके अंदर हम अभी दालचीनी के 2 टुकड़े और थोड़े हुए इलायची, इसका स्वाद खुशबू बहुत बेहतरीन आता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई मैं आपको। ये 2 इलायची जिसके मुंह खोले हैं हमने, वो इसमें डालेंगे, 2 लवंग डालेंगे, ये क्या करेंगे, अभी ये पक गए हैं, इसका पानी सूख गया है, अभी इसके अंदर हम ये डालेंगे, गैस बंद करेंगे और ये गैस चालू करके स्लो गैस पर हम बाकी चीजें डालेंगे। ये है इलायची पाउडर सब डालेंगे, बाद में
ड्राई फ्रूट एज यू लाइक, जो अच्छा लगता है अपने को, जो घर में है वो चारोले तो चाहिए चाहिए, अच्छा जितना ही चारोले। देखो मेवा अपने पसंद के अनुसार डालना है। ये काजू है और पिस्ता है थोड़ा और किशमिश है, ये हम इसको डालेंगे बिछाइए ऐसा, थोड़ा गार्निश के लिए रखेंगे। ये काजू कितना अच्छा दिख रहा है, देखो कलरफुल दिख रहा है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम टूटी फूटी थोड़ा डालेंगे। अभी हम इसके अंदर अगर फ्रेश पाइनएप्पल है तो पाक में पका के डाल सकते हैं, अभी हम फ्रेश पाइनएप्पल नहीं है इसलिए हम इसे डालते हैं। बिल्कुल दो बूंद, ज्यादा डाले तो कड़वा होता है ये। फिर उसको हम सौते करेंगे और 5 मिनट दम को रखेंगे। देखो कितना अच्छा कलर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 5 मिनट रखेंगे फिर तैयार हो गया। एक चीज तो रह गई, मिल्क पाउडर। इसमें मैं खवा ने डाली है, दूध ने डाली है, इंस्टेंट बनाई है मेरे तरीके से, खुर्शीद किचन के तरीके से बनाई हूँ। अभी इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, नो खवा नो दूध, झटपट इसको हम मिला लेंगे ऐसा। बहुत ही लाजवाब टेस्टी आसान तरीके से हमने चावल का ज़र्दा बनाया है। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, खवे की जरूरत नहीं, दूध की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट चावल का ज़र्दा बन के तैयार हो गया है बिल्कुल आसान तरीके से। ये बनाओ, खिलाओ, खाओ, पियो, मजे से रहो।